सेव सेव किया किया था था ना मैं सिर्फ इसलिए गया क्योंकि उसने मुझे कॉल दैट्स इट इट बट तो फॉर समवन एल्स जिंदगी में सेव करना जरूरी है मगर जब बात पैसों की हो सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली नमस्कार दो अप्रीन में आपका स्वागत है मैं अपूर्वा मंधानी मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर एक नया एपिसोड लाए हैं हमारे शो का जिसका नाम है हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ इस एपिसोड के लिए आपको बता दूं आपने हमें ढेर सारे सवाल भेजे सवाल इस हफ्ते आए हैं हमें नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर चल रहे विवाद से लेकर कश्मीर में जी ट्वेंटी बैठक और आई तक तो हम आपके ऐसे ही सवालों पर चर्चा करेंगे चलिए शुरुआत करें और, हमारे दर्शकों को भी मालूम होना चाहिए कि हम उनकी सेवा सेवा करने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं कि हम आई का अभी एलिमिनेटर छोड़ के आ रहे हैं जहाँ पे अभी अभी शुभमन गिल की सेंचुरी होके चुकी है तो देखिए हम अपने काम के लिए पूरे डेडिकेटेड हैं <laughs> बिल्कुल चलिए शेखर सबसे पहला जो आज सवाल आ रहा है तपेश मजुमदार जी का आ रहा है जो कि हमारे मेंबर हैं नमस्कार तपेश जी चलिए उनका सवाल है वो बोल रहे हैं नए संसद भवन का उद्घाटन संभावत रविवार को पीएम मोदी कर रहे हैं विपक्षी नेता इस पावन अवसर का बहिष्कार करने पर क्यों तुले हुए हैं ऐसा लगता है कि भारत के विपक्षी दल दिशाहीन है इस पर आपके विचार क्या है देखिए विपक्ष कभी दिशाहीन नहीं होता लेकिन विपक्ष की विपक, विपक्ष की दिशा होती है लेकिन उसकी अलग दिशा होती है पक्ष से ये मुझे याद है एक बार ज्ञानी जैल सिंह भाषण दे रहे थे तो भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि भाई मैं शिमला जा रहा था तो सब लोग तो सड़क के बाए हाथ चल रहे थे एक आदमी मैं देखो दाएँ हाथ चल रहा है तो मैं एक हफ्ते छुट्टी में छुट्टी के लिए शिमला गया मैं रोज कि मैं सब लोग बाएँ हाथ चल रहे हैं सड़क पर वो दाएं चलता था तो मैंने पूछा यार तुम सब बाएँ हाथ चलते हैं बोले हाँ रूल है सड़क पे बाएं हाथ चलने का उसने कहा तो तुम दाएं हाथ क्यों चलते हो उसने कहा क्योंकि मैं अपोजिशन से हूँ अच्छा वो तो जहल से मुस्म सरकार में थे इसलिए वो अपोजिशन का मजाक उड़ाते थे लेकिन सच्चाई ये है कि अपोजिशन का काम ये नहीं होता कि वो सरकार की मदद करें हर चीज में और अपोजिशन को मुद्दे ढूंढने होते हैं हो सकता है उनके कई मुद्दों से आप एग्री ना करें हम एग्री ना करें कुछ से हम करें तो ये एक हर कोई अपनी जो कॉन्स्टिट्युएसी होती है जो अपने वोटर्स अपने फॉलोअर्स होते हैं या जिनके वोट वो चाहता है उनको इंप्रेस करने के लिए रास्ता लेता है और अपोजिशन के लिए इसलिए बहुत जरूरी होता है कि वो हर समय लगे कि गवर्नमेंट के साथ सरकार के साथ वो एक संघर्ष कर रहा है अब वो अलग बात है देश पे किसी का हमला हो जाए दूसरे देश का तो उसमें तो सबको साथ आना पड़ता है और सब सब साथ आते भी हैं हमारे यहाँ ये भी सच्चाई है आप, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि कारगिल के युद्ध शुरू हुआ हुआ था जबकि वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी एक वोट से उन्नीस में और हमारे राष्ट्रपति थे नारायण साहब उन्होंने कहा भैया सरकार गिर गई लड़ाई हो रही है तो अभी तो हम इलेक्शन करा करा नहीं सकते तो जब तक लड़ाई खत्म नहीं होती लड़ाई खत्म होने के बाद इलेक्शन कराए जाएंगे जब तक लड़ाई ख़त्म नहीं होती अब सरकार सरकार चलाए जाओ किसी ने तब ये नहीं कहा केयर टेकर सरकार है ये, ये पॉलिसी पौ, पौ, डिसीजन कैसे कर सकती है पाकिस्तान से समझौता करना है कि नहीं वहाँ पर आर्टिलरी भेजनी है कि नहीं एयर पावर यूज़ करनी है कि नहीं तो सारी पार्टियों ने उसमें सहयोग भी दिया था तो हर समय समय की बात है और मौके मौके के ऊपर पोलिटिकल पार्टीज जो है अपना रवैया अपनाती है तो इस समय जो अपोजिशन का काम है वो अपोजिशन कर रही है प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन कर रहे हैं जो अपोजिशन की बहस है जो उनकी टेंशन है वो प्रधानमंत्री से है जी। तो उन्होंने एक प्रिंसिपल पॉइंट निकाला है कि क्योंकि ये पार्लियामेंट है ये हर पार्टी की है तो इसको जो नॉन पार्टीजन इंसान है हमारे यहां जैसे राष्ट्रपति है राष्ट्रपति की कोई पार्टी नहीं होती या जैसे आ, स्पीकर है स्पीकर की कोई पार्टी नहीं होती वो तो सब देते हैं लेकिन कोई लेकिन कोई पार्टी नहीं होती उनमें से कोई इसका उद्घाटन करता है तो एक पॉलिटिकल पॉइंट उन्होंने निकाला है बीजेपी वालों का अपना कहना है इसके अंदर लेकिन क्योंकि उनका टारगेट प्रधानमंत्री है उनको तो चुनाव प्रधानमंत्री से लड़ना है ना उनको तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नहीं लड़ना है आ, तो इसलिए वो राजनीति है अब राजनीति नहीं करेंगे तो यहाँ कोई धर्म कर्म करने तो आए नहीं है शिखर इसी से जुड़े काफ़ी सवाल आएँ एक और सवाल लूंगी संकल्प जो कि हमारे मेंबर हैं उनका सवाल है वो बोल रहे हैं कि विपक्षी एकता या बीजेपी पीड़ित समाज का एक साथ आना नए संसद उद्घाटन के बहिष्कार के बारे में कोई अपना विचार रख सकता है लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो नैरेटिव बनाया जा रहा है वो हास्यास्पद है इस तरह के आयोजनों पर कोई लिखित प्रोटोकॉल नहीं है और आई ने कांग्रेस ने खुद भी गैर संवैधानिक पदों से राज्य विधानसभाओं का उद्घाटन किया है देखिए ये सब बातें आपकी भी ठीक है और दूसरी तरफ की भी ठीक है क्योंकि ये राजनीति है राजनीति में कोई चीज़ का प्रोटोकॉल नहीं होता है नॉर्म्स होते हैं तो कई बार लोग नॉर्म्स फॉलो करते हैं कई बार नहीं करते हैं और रोज यहाँ पे नए नॉर्म्स बनाए जाते हैं तो इस स्थिति में ये कहना कि आपने पहले किया था इसलिए आप दूसरे का क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हो कहना तो अच्छी बात है और हर किसी की हिपोक्रेसी की याद उनको दिलाते रहना चाहिए लेकिन बिना हिपोक्रेसी के राजनीति भी नहीं होती और सच बात यह है कि अगर हिपोक्रेसी नहीं हो राजनीति में तो हमारे जैसों की लाइफ तो बहुत बोरिंग हो जाएगी <laughs> चलिए अगला सवाल आदित्य का है जो कि हमारे मेंबर हैं हैं वो पूछ रहे कि क्या आपको लगता है कि इस बात को देखते हुए कि अतीत में कुछ देशों ने कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया था जी ट्वेंटी इवेंट के बाद प्रमुख देशों के कश्मीर के प्रति दृष्टिकोण में कोई बदलाव आएगा देखिए पहली बात तो ये कि इसके जवाब कुछ आपको मिलेंगे जो मेरे इस सप्ताह का नेशनल इंटरेस्ट है ठीक है ठीक तो आपने है। अगर नहीं पढ़ा है अभी तो पढ़ लीजिएगा और देख भी लीजिएगा उसका वीडियो वो अपूर्वा आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि 20 देश है जी ट्वेंटी के 20 में से 17 आए हमारे यहाँ तो बड़ी बात है क्योंकि कश्मीर में आए यही लोग आज से दस बारह साल पहले ये सोचते और कहते कि ये अभी तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जब तक उसका स्टेटस ठीक नहीं होगा हम नहीं जाएंगे सत्रा आए सत्रा में यूरोपीय तो हाँ बात है और वो अब टूरिज्म के ऊपर ये है थर्ड ग्रुप ऑन टूरिज्म थर्ड, जो थर्ड मीटिंग थी इस ग्रुप की तो वो कोई आके हम पोलिटिकल असेसमेंट तो लिखते नहीं है लेकिन विदेशी जो राजदूत हैं उनके राजदूत के कर्मचारी हैं जो उनके डिप्लोमेट्स हैं वो तो अब जाते रहते हैं कश्मीर काफी तो जो स्थिति है ग्राउंड पे वो तो सब देख रहे हैं पर ये जो पांच देश नहीं आए उनमें से तीन जी ट्वेंटी के उनमें दो को तो चलो छोड़ दीजिए आप टर्की टर्की और, और चाइना को उनका तो भारत के बारे में रवैया जाना पहचाना ही है लेकिन बाकी तीन आप देखें सऊदी अरेबिया जो भारत का अपना अच्छा मित्र है इजिप्ट जिसके राष्ट्रपति भी हमारे अभी अभी हमारे गणतंत्र दिवस पर रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट थे और ओमान जिससे भारत के इतने पुराने संबंध हैं सदियों पुराने संबंध हैं ये तीन देश नहीं आए तो आपको क्या बता रहे हैं आपको बता रहे हैं कि कश्मीर की जो समस्या है वो अभी ये नहीं कि खत्म हो गई है और उसके लिए मेरा कहना यह है ये मैंने नेशनल इंटरेस्ट में भी लिखा है कि कश्मीर के अंदर आपको डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू करनी पड़ेगी उसको आप नौकर शाहों के थ्रू नहीं चला सकते दिल्ली से ऑर्डर भेज के क्योंकि ये आप चलाते रहिए जब तक चलता है चलती का नाम गाड़ी लेकिन जब गड़बड़ होगी भगवान ना करें लेकिन जब गड़बड़ होगी क्योंकि ये चीज़ें साइक्लिकल होती हैं ये भी नहीं कि पाकिस्तान का दर्जा हमेशा दुनिया में इतना ही ख़राब रह गए चलता है ये भी नहीं है कि, आ, कि भारत को हमेशा ही खुली छुट्टी रहेगी तो जब मौका मिला है भारत को और दुनिया आपके साथ है पूरी तरह बोल के साथ नहीं है ये कोई देश नहीं कह रहा है कि कश्मीर में कश्मीर में डिस्प्यूट कोई नहीं है लेकिन फिर भी दुनिया ये बात मानती है कि भारत इस समय बहुत शक्तिशाली स्थिति में है जी। तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और भारत को कमज़ोर नहीं फील करना चाहिए और अगर भारत को अपने अंदर आत्मविश्वास है कॉन्फिडेंस है तो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट हो दोबारा से उसको राज्य बनाना चाहिए वहाँ चुनाव कराने चाहिए और वहाँ की जनता को मौका मिलना चाहिए कि जो आपको पसंद है उसको आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए हम तो केंद्र हैं हम सबको हम सबके साथ काम करते हैं ये एक कसर अभी रह गई है और ये एक अफसोस की बात है कि पांचवा साल हो जाएगा पांचवा साल हो गया मोदी सरकार का और अभी पांच अगस्त को चार साल हो जाएंगे कश्मीर में जो संवैधानिक बदलाव किए गए थे उनके लेकिन फिर भी वो केंद्र शासित ही रह रहा है केंद्र शासित राज्य भी नहीं है जैसे कि मान ली मान लीजिए एक तरह का दिल्ली है जी। उतना भी नहीं है शेखर आपने दिल्ली की बात की उससे जुड़े दो तीन हमारे पास सवाल आए हैं अनुराग जैन जो कि हमारे मेंबर हैं पूछ रहे हैं कि ऑर्डिनेंस या कानून में बदलाव के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना किसी राजनीतिक दल के लिए आत्मघाती लगता है राजीव गांधी शाहबानो मामला और इंदिरा गांधी कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनके बारे में मैं सोच सकता हूँ बोल रहे हैं क्या आप प्लीज उन मामलों के बारे में बता सकते हैं जहाँ इसने ऐसे कदम ने सरकार के पक्ष में काम किया हो अगर नहीं तो बीजेपी जो कि इतनी स्मार्ट पार्टी है ऐसा क्यों कर रही है देखिए ऐसे कदम ने आमतौर पर सरकार के पक्ष में काम नहीं किया है क्योंकि जनता भी जानती है पब्लिक भी जानती है कि आपने इसलिए किया है कि जो चुनी हुई सरकार है उसकी उसकी शक्तियाँ कम करने के लिए किया है लेकिन बीजेपी सरकार ने जो किया है ये दिल्ली में किया है जो कि सात लोकसभा सीट भेजती है और वहाँ मोदी जी इतने पॉपुलर हैं कि वो कई कई लाख वोट से वैसे जीतते हैं तो उनको लगता है ये तो सीटें जाएंगे नहीं और जो नाराजगी होगी दिल्ली के वोटर की वो दिल्ली के असेंबली इलेक्शन में निकलेगी वहाँ तो वैसे ही नब्बे प्रतिशत से ऊपर सीटें आम आदमी पार्टी की आती हैं।, हैं तो उन्होंने ये सोच के कहा किया है कि इससे उन्हें उनका जो रिस्क है वो एक तरफ से एक तरह से जोग्राफिकली एक छोटे इलाके में है लेकिन वो इतनी सीधी बात नहीं है क्योंकि आप आप देखें कि बहुत राज्यों के मुख्यमंत्री जो बीजेपी के नहीं हैं वो इस बात से परेशान हैं उनको लगता है कल को कोई हमारे राज्य के बारे में भी, भी ऐसा ऑर्डिनेंस आ सकता है और सच बात यह कि मेजोरिटी बीजेपी के पास है तो तो जो ऑर्डिनेंस लाएंगे वो पास हो जाएगा एक जो थोड़ा बहुत राज्यसभा में उनके पास नंबर्स की कमी है मेरे खाल दो स्ट्रेंथ है अभी राज्यसभा की एनडीए के पास एक है तो उनको चाहिए पंद्रह बीस और वो नौ और नौ दो हमारे ऐसी पार्टियाँ हैं जो अपने राज्यों में बहुत सशक्त हैं नॉन बीजेपी जे हैं लेकिन वो बीजेपी की अपोजिशन नहीं है जैसे बीजेडी है नवीन पटनायक का उड़ीसा में और ऐसे ही जगनमोहन रेड्डी का वाई है आंध्रा में उन दोनों की नौ नौ राज्यसभा सीटें हैं अगर वो दोनों वोट करते हैं अठारह अठारह और एक और अठारह एक फिर नॉमिनेटेड हो गए अच्छा ये दोनों अगर एब्सटेन भी करते हैं कि देखिए ये तो फेडरलिज्म की बात है राज्यों के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा प्रिंसिपल पॉइंट है एब्स्टेन कर सकते हैं फिर भी वो नॉमिनेटेड मिला के आ, क्योंकि जो यूपीए प्लस जो पार्टियां हैं जो बीजेपी के खिलाफ वोट देंगी वो अट्ठानवे हैं अभी 98 तो उनके पास बीस बाईस कहाँ से आएंगे तो इसलिए बीजेपी बीजेपी को लगता है कि जो भी ऑर्डिनेंस हो हम उसको पास करा सकते हैं यानी छोटी स्टेट का है दिल्ली का है केजरीवाल अब ये भी बात है कि केजरीवाल को बहुत पार्टियाँ पसंद भी नहीं करती हैं क्योंकि उन्हें उन्होंने बहुतों के बारे में कुछ कुछ कहा भी हुआ है और कांग्रेस के साथ तो उनकी एक तरह से ज़बरदस्त टक्कर है क्योंकि केजरीवाल और उनकी पार्टी उसी राज्य में कुछ वर्चस्व रखती हैं जो पहले कांग्रेस के थे तो और कांग्रेस का ही वोट ले रही हैं जैसे कि अगर आप गुजरात में देखें गुजरात में पहले कांग्रेस का 42 प्रतिशत वोट आया था 2017 के चुनाव में इस बार कांग्रेस का 28 प्रतिशत वोट आया इस बार आम आदमी पार्टी आई उसका कितने प्रतिशत वोट आया बताइए वो 42 माइनस अट्ठाईस चौदह चौदह प्रतिशत वोट आया आम आदमी पार्टी का बीजेपी का वोट कम नहीं हुआ बीजेपी का वोट तो छः परसेंट परसेंट बढ़ के छियालीस से इक्यावन हो गया तो आम आदमी पार्टी ने गुजरात में बीजेपी से एक भी वोट नहीं लिया एक लिया शायद है। ये ये मैं एक लार्जर प्लेन में कह रहा हूं लेकिन जितना कांग्रेस का घटा उतना ही आम आदमी पार्टी का वोट आया तो वो कांग्रेस पार्टी के वोट को वैक्यूम क्लीन कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को भी उनके साथ तकलीफ होना एक नेचुरल बात है अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है आशुतोष बग्गा पूछ रहे हैं कि दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच संघर्ष में दिल्ली में सर्विसेज पर नियंत्रण पाने से केंद्र सरकार को क्या स्पेशल एडवांटेज मिलते हैं सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि जो दिल्ली में जो आईएएस ऑफिसर हैं उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर किसी को खिलाफ इंक्वायरी ऑर्डर करनी है किसी को परेशान करना है किसी को खुश करना है कोई अगर बहुत लगे कि आम आदमी पार्टी का सरकार का बहुत लॉयलिस्ट हो गया उसको आप कुछ कर सकते हैं और आम आदमी पार्टी से ये ताकत ले लेना अब राज्य सरकार के हमारे यहाँ क्या शक्ति रह गई क्या ताकत क्या पावर रह गई अगर वो अपने अधिकारियों की पोस्टिंग ट्रांसफर नहीं कर सकती तो इसलिए उनके लिए बहुत जरूरी है लेकिन अगर ये ऑर्डिनेंस आप पढ़ेंगे इसमें बहुत सारी चीजें और हैं जैसे कि कई फैसलों के लिए एक कमेटी बना दी गई है खास करके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए उस कमेटी में एक तो बैठे हैं मुख्यमंत्री और एक उनके चीफ सेक्रेटरी और एक उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट के अब दोनों सेक्रेटरी सेक्रेटरी तो सेक्रेटरी तो मातहत हैं चीफ मिनिस्टर के तीनों बैठेंगे इस कमेटी में इस कमेटी का फैसला जो होगा मेजोरिटी वोट से होगा दो, दो एक तरफ वोट दे एक एक तरफ वोट दे तो हो जाएगा काम ये दो अफसर हैं और ये मुख्यमंत्री तीनों को वोट की एक ही वैल्यू है तो अगर ये दो अफसर चाहे और तो, एक तरफ वोट दें तो मुख्यमंत्री उसमें आउट नंबर हो जाएंगे तो ये तो कोई इसकी तुक नहीं बनी इससे अच्छा तो यही है कि दिल्ली को दोबारा से एक और ऑर्डिनेंस लाइए या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाइए और जो दिल्ली पहले था उन्नीस से पहले सिक्सटी नाइन्थ अमेंडमेंट से पहले था जब दिल्ली स्टेट नहीं थी तो उसको वैसे का वैसे बना दीजिए हमारे यहाँ फिर से चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर होंगे एक जमाने में होते थे यहाँ पे जग जग प्रवेश चंद्रा बड़े पॉपुलर थे अच्छा तो फिर ये इतना ज्यादा शोर शराबा और इतना ज़्यादा ताम जाम राज्य सर सरकार का करना ही क्यों है मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ ऐसे होना चाहिए मैं कह रहा हूँ कि वो क्या सरकार है जिसका मुख्यमंत्री अपने सेक्रेटरीज़ के साथ एक टेबल पे एक, एक मेज पर बैठे और तीनों का वोट हो और तीन, तीनों का वोट बराबर हो अगला एक और सवाल दिल्ली से जुड़ा हुआ आशीष चावला पूछ रहे हैं कि केंद्र में पिछली भाजपा और कांग्रेस की सरकारें दिल्ली को पूर्ण राज्य का अधिकार देने में क्यों हिचकिचाई जबकि दिल्ली की आबादी पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों के लगभग बराबर है आपके अनुसार इस मामले का अंतिम समाधान क्या होगा प्रैक्टिकली क्या केजरीवाल साहब इस ऑर्डिनेंस को राज्यसभा में रोक पाएंगे या ये सिर्फ एक नाटक है देखिए पहली बात तो मुश्किल लगता है इसको राज्यसभा में रोक पाना असंभव नहीं है लेकिन मैं उनका मुश्किल लगता है जैसे मैंने नंबर से भी बताए थे उसके हिसाब से दूसरी बात ये है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को देखिए किसी भी देश की राजधानी जहां होती है जहां उसकी सीट ऑफ पावर होती है हुँ. उनके लिए बहुत मुश्किल है उसके पूर्ण स्टेट बनाना ज्यादातर देशों में ऐसे जहां नेशनल कैपिटल रीजन जो होती है वो बिल्कुल केंद्र के अधीन ही होती है हुँ. अब दिल्ली जैसी जगह में पूर्ण राज्य अगर आप मुझे पूछें तो मैं उसके समर्थन में नहीं हूं ये, ये नहीं, नहीं कह रहा हूं ये मेरा भी रहा है हम कहते ही भी कि दिल्ली में स्केल अमेरिकन शहरों में मेयर होते हैं मेयर चुना जाता है उसकी बहुत पावर होती है लंडन का मेयर बहुत पावर होती है तो दिल्ली में उस, उस का मुख्यमंत्री चाहिए लेकिन उसकी जेन्युन पावर होनी चाहिए ऐसे नहीं जैसे अभी हो गई है लेकिन उसको फुल पावर देना जैसे पंजाब का मुख्यमंत्री हरियाणा का मुख्यमंत्री पुलिस उसके बाद पास लैंड उसके पास वो देश की राजधानी में काफ़ी पेचीदा मसला हो जाता है और उसमें फिर ऐसे हो कि के केंद्र सरकार और राज्य की सरकार अगर अलग अलग पार्टी के हो और दोनों में खींचा शुरू हो जाए तो उससे बहुत कॉम्प्लिकेशन्स आगे आ सकती हैं शेखर आप आपने क्रिकेट की बात की हम मैच छोड़ के आए तो उस पर एक सवाल ज़रूर लूँगी ईश्वर शंकर जो कि हमारे मेंबर हैं पूछ रहे हैं कि मुझे बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि आईपीएल के इतने करीब होने के कारण भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीतने की संभावना बहुत कम हो गई है क्या आपको लगता है कि बी की शक्ति पर अंकुश लगाने की कोई उम्मीद है नहीं देखिए बीसीसीआई की शक्ति की बात नहीं है असली बात तो है कि बीसीसीआई की असली शक्ति इस समय आईपीएल है क्योंकि आईपीएल से इतना पैसा पैदा होता है कि ना सिर्फ बीसीआई बीसीसीआई को पैसा मिलता है लेकिन सारे स्टेट एसोसिएशन को प्लेयर्स कमेंटेटर्स बहुत लोग जो लोग रंजी वंजी भी खेले इतने साल उससे आगे नहीं गए नहीं। उनका भी बहुत फायदा हो रहा है अभी आप देखें जो कमेंट्री आ रही है ये जियो सिनेमा के ऊपर वो देश की कितनी भाषाओं में आ रही है पंजाबी की भी आ रही है आप सुनिए वो बड़ी मजेदार होती है और भोजपुरी बड़ी मजेदार होती है अब ठीक है बंगाली तेलुगु तमिल वगैरह नहीं आती लेकिन वो सब कॉमेंटेटर्स हैं और उसमें उसमें बोलने वाले प्लेयर्स हैं जो वो भाषा बोलते हैं तो ये आई जो है ये इसने दुनिया भर की क्रिकेट की इकोनॉमिक्स को बदल दिया है और दुनिया में जो क्रिकेट है सर्वाइव इस समय आई पर ही कर रही है बहुत देश हैं जैसे कि साउथ अफ्रीका है वेस्ट इंडीज़ है जिनके पास क्रिकेट के लिए पैसा नहीं है अब आई का पैसा जा रहा है श्रीलंका में भी क्योंकि आई का पैसा फिर आईसीसी पैसा एलोकेट करती है अब आप देखें अगर साउथ अफ्रीका की लीग देखें वहां भी एक लीग शुरू हो गई आई पी एल जैसी उसकी सारी टीमों के जो मालिक हैं वो इंडियन ही आई पी एल के मालिक ही आमतौर पे अच्छा। और वो उनके मैच जो होते हैं क्या वहां एटमोस्फियर होता है कितने लोग होते हैं स्टेडियम भरे होते हैं और वहां के कितने क्रिकेटर्स को उसकी वजह से सिर्फ रोजगार मिल रहा है पर अच्छी वेल्थ मिल रही है जी। तो ये बीसीसीआई को कंट्रोल करने की करने की बात है लेकिन बीसीसीआई BCC, के पास अब इतना पैसा है कि वो जो आपके की प्लेयर्स होते हैं जैसे टेस्ट सीरीज आने वाली हो जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आने वाला हो तो की प्लेयर्स को वो कॉम्पेंसेट कर सकते हैं पैसे देखे, कि देखिए आप इसमें ना खेलें हम आपको कॉम्पेंसेट कर रहे हैं आपका फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा जी। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बी सी सी आई को वर्क करने से और करना चाहिए हालांकि जो आज स्थिति है उसमें जो हमारे सबसे बड़ा नुकसान जो अभी तक हुआ है वो बुमराह हैं जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत वो दो दोनों को तो आई में चोट नहीं लगी ऋषभ पंत को उसके पहले अपने कार एक्सीडेंट में लगी थी और बुमराह को तो पहले ही इंग्लैंड में सीरीज के टाइम ही चोट काफ़ी उनकी आगे आ गई थी और तब से वो रिहैब में सर्जरी भी हुई रिहैब में ही चले जा रहे हैं चलिए शेखर आज का आखिरी सवाल लूंगी राघव का सवाल है वो पूछ रहे हैं कि आजकल आई और दूसरे टी ट्वेंटी फ्रेंचाइज लीग्स में डेटा एनालिटिक्स और इम्पैक्ट या प्रभाव पे बहुत बातचीत होती रहती है जैसे बल्लेबाजों का प्रभाव और गेंदबाजों का प्रभाव आपको क्या लगता है कि इस आई सीजन में सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर्स कौन से रहे हैं देखिए अभी कहना मुश्किल है जरा सोचना पड़ेगा क्योंकि बहुत प्लेयर्स है लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि कई भारतीय प्लेयर्स और नौजवान प्लेयर्स हैं जो पहले इतने फैंसीड नहीं थे आ, जैसे यशस्वी ये, ये जायसवाल है ना या जैसे कि रिंकू सिंह यह नए नए लोग आ गए और बहुत अच्छा खेले हैं ऐसे कई लोग और एकदम मुझे याद नहीं आएगा तो अनफेयर होगा कि सिर्फ दो का नाम लू बाकी का ना लूँ लेकिन आप देखें कि हम एक स्टोरी भी कर रहे हैं कि जो इंडियन प्लेयर्स इस बार चमके हैं ये टैलेंट है ये टैलेंट कभी आईपीएल के बिना आगे नहीं आता जी। लेकिन फिर आप देखें शुभमन गिल आ, ये रेयर चीज हुई है अभी कि ऑल ऑल फॉर्मेट बैट्समैन पैदा हुआ है क्योंकि जब वो टेस्ट क्रिकेट खेलता है तो लगता है करेक्टली खेल रहा है थोड़ा ऑस्ट्रेलियन स्टाइल से खेलता है इसलिए कभी कभी उसको स्विंगिंग बॉल में समस्या होती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में स्विंग नहीं होती लेकिन वो ऑल फॉर्मेट है वो टी में भी ओडीआई में भी और टेस्ट में भी फिट भी है तो ऐसी कई नई फाइंडिंग्स हैं एक चीज का अफसोस है अभी कि हमें कोई बहुत दमदार फास्ट बॉलर नहीं मिल रहा है और एक जो मिला मिला हुआ है मैं मिला हुआ था नहीं बोलूंगा जो मिला हुआ है उसका ये इनडिफरेंट सीजन रहा है वो है उमरान मलिक आ, वो हैदराबाद के लिए खेला लेकिन ये ये भी लगता है कि उसको फ्रेंचाइज ने फ्रेंचाइज के मैनेजमेंट ने ठीक से इस्तेमाल नहीं किया उसको खड़ा करना चाहिए था सामने कि तुम हमारे स्पेयर हेड हो तुम हमारे को विकेट्स लेके आओ आओगे लेकिन उसको इतना डिफेंसिवली और इतना पॉलिजिटिकली यूज किया कि उससे वो उभर नहीं पाया नहीं। तो भारत की समय बड़ी समस्या कि, कि फास्ट बॉलिंग जो आज से दो साल पहले हम कहते थे कि भारत के पास अनलिमिटेड उसका स्टॉक है वो उसमें एक बुमराह के जाने से भी फर्क पड़ा है और कुछ और भी ऐसे हैं जो आगे बढ़ नहीं पाए और फास्ट बॉलर तो देखिए लगातार इतने टाइम तक इफेक्टिव रहना उसी पेस पर बॉलिंग करना संभव नहीं है क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर बहुत वेरेंटियर होती है वही तो बुमरा के साथ हुआ जी। और ये सब फास्ट बॉलर्स के साथ हुआ है जफरा आर्चर कितने दिन बाहर रहे हालांकि आजकल फिजियोथेरेपी ऑर्थोपेडिक्स, स्पोर्ट्स मेडिसिन इतनी एडवांस्ड हो गई है उसके पहले पैट कमिंस जब नए नए आए थे तो दुनिया में लगता था कि मैं सोचता था कि इंडिया के साथ पहली बार खेलेंगे तो थर्टी सेवन फॉर एट तो हो ही जाएंगे लेकिन उनको भी stress fracture हो गया, क्योंकि body के ऊपर बहुत strain होता है, है। तो उसमें भारत में अभी पैदा नहीं हुई हैं, और वो एक, वो एक एक इस IPL की भी मैं disappointment है। जी, चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो सेक्शन में जरूर बताएं जरूर पढ़ते हैं हर हफ्ते हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद